थैंक यू। नमस्कार सभी को। आप सभी को दीपावली की, सॉरी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई होप कि सबकी होली बहुत अच्छी मनी होगी। वी ऑल एंजॉयड द कलर डे। जैसा ये जो आज हमारा सब्जेक्ट है, शूद्र विप्लव, इस सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन किया था प्रद्युमन दादा ने अपने फेसबुक पर, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड मी कि इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। और मैंने उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे, मेरे लिए नया था, तो मैंने पहले उनसे सब्जेक्ट समझा, उनसे पता किया कि वो क्या कहना चाह रहे थे उसमें, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि आज जो है हम सबके लिए सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। और साथ ही साथ दादा से भी रिक्वेस्ट किया, प्रद्युमन दादा से भी रिक्वेस्ट किया कि दादा आप आइए और जैसा आप मुझे बता रहे हैं ऐसा सबको बताइए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। बिकॉज यहाँ पर दादा ने जो दो तीन टर्म्स यूज किए, एक उन्होंने बात की है इंटेलेक्चुअल की, दूसरा उन्होंने बात की है इंस्टिंक्ट की, एंड शूद्र विप्लव तो है ही बिकॉज ऑफ दैट, उसके बीच में जो कन्फ्रंटेशन है उसके बीच में। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रद्युमन दादा को रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा आपका वेलकम है इस पर, और अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा दादा। शायद उनका नेटवर्क इशू आ गया क्योंकि अभी तो जुड़े हुए थे। ये कन्वर्सेशन जो उन्होंने फेसबुक पे दिया वो कुछ इस तरह से था कि ऑस्ट्रेलिया में एक दादा आ गए। यस प्रद्युमन दादा, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए दादा प्लीज। दादा मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मेरे ख्याल से प्रद्युमन दादा आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? माइक को अनम्यूट कर लीजिए दादा और वीडियो ऑन कर लीजिए। मीरा दीदी आप एक बार उनको कॉल कर देंगी प्लीज, शायद वो समझ नहीं पा रहे हूँ। ठीक हाँ दीदी मैं है, कॉल करती हूँ। हाँ दीदी आप एक बार उन्हें कॉल की दीजिए। मीन वाइल इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं उन्हीं का पोस्ट को एक बार पढ़ लेती हूँ, विच इज द रीजन वाई द टॉपिक हैज बीन सेलेक्टेड टुडे। आजकल सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया के विख्यात बायोलॉजिस्ट एंड मनोविश्लेषक डॉक्टर जर्मी ग्रिफिथ के इंटरव्यू जोर शोर से चल रहे हैं। उनका निष्कर्ष है कि आज पूरी दुनिया में इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। जी दादा यू आर हेयर, बेटर हम आपके मुंह से सुने। तो क्यों राजेंद्र दादा, आप चाहेंगे ना कि दादा बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ गए जी जी फिर से, जी हाँ गड़बड़ हो गया था। दादा नमस्कार। आपको बहुत बहुत, हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जी तुम लोगों ने तो विषय इतना लंबा रख लिया है, अब शुद्ध विप्लव और फिर वो इंटेलेक्ट वर्सेस इंस्टिंक्ट, तो इसमें तो तुम लोगों को मेरा ख्याल है कि एक सेशन में समाप्त नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध विप्लव को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास दर्शन को समझने की जरूरत है।
और जब तक इतिहास दर्शन का कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे, तब तक शूद्र विप्लव के विषय में भी धारणा बन नहीं पाएगी। ठीक, तो 15-20 मिनट में तो संभव होगा नहीं, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि कुछ और सेशन तुम्हें उनको चलाने पड़ेंगे। खैर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट में कुछ संक्षेप में अरे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी लोग प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। हाँ, आवाज आ रही है कई तरह की। दादा आप कंटिन्यू। हाँ, तो यह सब शूद्र विप्लव जो है, ये प्राउड के इतिहास दर्शन का अपना कंसेप्ट है। इससे पहले भी इतिहास दर्शनकारों ने अच्छा आवाज आ जाती है, वो डिस्टर्ब कर, तो थोड़ा सा उसकी चर्चा भी कर लेनी आवश्यक होगी। यह इतिहास दर्शन क्या है, इतिहास क्या है, इतिवृत्त क्या है, और प्राउड की विशेषता क्या है। बाबा ने मानव समाज नामक पुस्तक में विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है। अब तो मैं प्रवास में हूँ, इसीलिए कोई किताब भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि उसका रेफरेंस दे सकूं। लेकिन खैर, जितनी बातें मुझे याद आ रही हैं, तो उसी के आधार पर मैं कुछ कहने की चेष्टा करूंगा। तो इसके पहले हमारे यहाँ जो आजकल इतिहास की पढ़ाई होती है, इतिहास को जिस रूप में आजकल हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह का कोई कंसेप्ट हमारे यहाँ प्राचीन काल में नहीं था। का जो इतिहास हमारे सामने है, वो लगभग सबने पढ़ा होगा कि किस राजा का शासन काल कितने समय तक रहा, क्या हुआ नहीं हुआ। एक राजा रानी की कहानी जो है, वो इतिवृत्त जो है, वो प्राउड दर्शनकार ने कहा कि हिस्ट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव साइक। इतिहास जो है वो सामूहिक मनोभाव की अभिव्यक्ति है, और इसी आधार पर बाबा ने इतिहास दर्शन की व्याख्या की। प्राउड के जो 16 सूत्र हैं आनंद सूत्रम में, तो उन 16 सूत्र में ही प्राउड का अर्थनैतिक दर्शन, प्राउड का इतिहास दर्शन और सोशल डायनेमिक्स तीनों है। इतिहास पर आधुनिक काल में टाइनवी ने बहुत काम किया। उन्होंने करीब करीब 24 सभ्यताओं का अध्ययन कर इतिहास दर्शन का एक खाका दिया। उसके पहले रूस के डोनाल्ड वेस्की थे, उन्होंने भी 6 सभ्यताओं का अध्ययन कर इतिहास दर्शन की एक धारणा लोगों के सामने रखी। लेकिन ये इतिहास दर्शन मुख्य रूप में कलयुग में अथवा पाषाण काल में या लौह युग में या कांस्य युग में उत्खनन से प्राप्त जो भी औजार या अवशेष मिलते रहे हैं,
उसके आधार पर उन लोगों ने अपना इतिहास दर्शन की नींव डाली। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास बिल्कुल एक अलग रूप में समझा गया। इतिहास के विषय में पुराणों में कहा गया कि यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यानी इतिहास का सही ज्ञान जो है यह चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराता है। यहाँ घटनाओं के वर्णन पर या घटनाओं के इतिवृत्त पर जोर नहीं दिया है। यहाँ एक जो सामूहिक मनोभाव रहा उसके आधार पर, जैसे महाभारत, महाभारत इतिहास है, लेकिन महाभारत में इतिहास के वही अंश संकलित किए गए हैं जो मानव समाज के लिए, मनुष्य के लिए कल्याणकारी, जिससे आदमी सीख सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इतिहास की परंपरा ही दूसरी रही है। पुराणों में भी इसकी झलक मिलती है, जहाँ कहानी के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को अथवा की ब्रह्म संबंधी जो जिज्ञासा है उसको समझाने की कोशिश की गई। हमारा आज का जीवन जो है, आधुनिक जीवन जो है, वह मुख्य रूप से चार चिंतनकारों ने प्रभावित किया है। एक तो एडम स्मिथ, जिन्होंने स्वार्थ को ही प्रेरक तत्व माना और उसी के आधार पर लेसर शेयर का सिद्धांत दिया कि हम अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए मनुष्य काम करता है और उस काम करने से लोगों को जो फायदा होता है तो इसी से इतिहास जो है वो आगे बढ़ता है, उसकी प्रगति होती है। मुख्य रूप में अपना स्वार्थ ही उन्होंने, मनुष्य का स्वार्थ ही प्रेरक तत्व है, इसको स्थापित करने की कोशिश की और उसी के आधार पर यह पूंजीवादी व्यवस्था जो वो चली। दूसरे चिंतन का अर्थ है कार्ल मार्क्स। उन्होंने वर्ग संघर्ष को ही इतिहास का प्रेरक तत्व, इतिहास को प्रेरणा देने वाला तत्व जो है वह वर्ग संघर्ष ही है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो अपनी छोरी है उस पर स्थापित करने की कोशिश की। तीसरे चिंतनकार हुए डार्विन। उन्होंने प्राकृतिक के चयन पर ही जोर डाला और उनका कहना था कि प्रकृति में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलते रहता है, अस्तित्व का संघर्ष चलते रहता है और इसमें जो फिटेस्ट रहता है वो सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी एक चौथे चिंतनकार हुए फ्राय। उसने काम को ही जीवन का प्रेरक तत्व कहा कि यह काम जो है वही हमारे जीवन की प्रेरणा देता है और उसी से मानव समाज जो है वह आगे बढ़ता है, आगे चलता है, उसी से इतिहास की प्रगति। लेकिन प्रभुत्व के चिंतनकार का
कहना है कि मनुष्य का उसके जीवन का प्रेरक तत्व तो स्वार्थ, वर्ग संघर्ष या कि डायलेक्टिकल मेटरलिज्म अथवा सेक्स अथवा यह जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मनुष्य का प्रेरक तत्व तो आनंद ही है, और इस आनंद के लिए ही आदमी जीवन में क्रियाशील होता है। बाबा का प्रवचन है, उसी में एक रहा है, प्रवचन है श्वेता सोतर उपनिषद का, आनंदेर लतानि जीवंती आनंदम का भी याद नहीं आ रहा है। या ना जीव जो है सृष्टि में आनंद से ही आता है, आनंद में ही वो पलता है, क्रियाशील होता है, और फिर आनंद में ही वह विलीन होता है। और इसी के आधार पर द्रौ दर्शनकार ने कहा कि मनुष्य का जो प्रेरणा स्रोत है वह आनंद ही है, और आनंद के लिए ही मनुष्य सब कुछ करता है। यदि आनंद न मिले तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, और यह आनंद भी उसे असीमित मात्रा में चाहिए। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आनंद नहीं, वस्तु का सुख उसे नहीं चाहिए। वस्तु का सुख, मैटर का सुख तो बहुत कम होता है। वो आज तुमने गाड़ी खरीदी, 2 दिन के बाद फिर उससे कोई आनंद नहीं आएगा, मालूम पड़ेगा कि कोई दूसरी मॉडल आ गई, उसको खरीद लेते थोड़ा अच्छा लगता। तो इसी तरह से जो वस्तु का सुख होता है वो क्षणस्थायी होता है, लेकिन मन की आकृति जो है वह असीमित आनंद पा रही है, क्योंकि वह आनंद से आया, इसीलिए वह वही असीमित आनंद चाहता है। और असीमित आनंद तो एकमात्र ब्रह्म ही है, असीमित सत्ता तो वही है। इस ब्रह्मांड में दूसरी और कोई सत्ता नहीं है जो असीमित है, तो स्वाभाविक रूप में मनुष्य ब्रह्म को ही चाहता है, ईश्वर को ही चाहता है, और उसी में लौट जाना चाहता है, और जीवन भर उसकी जो क्रिया रहती है, उसका जो एक्शन रहता है, वो उन्हीं को पाने के लिए रहता है, उसी आनंद को पाने के लिए रहता। तो इस तरह जो एक समग्र जीवन दृष्टि होती है उसको बाबा ने समझाने की कोशिश की। अब हम आते हैं इतिहास दर्शन पर, जैसा कि मानव समाज नामक पुस्तक में बाबा ने लिखा है। उन्होंने 4 किस्म की मानसिकता का जिक्र किया है, शूद्र मानसिकता, क्षत्रिय मानसिकता, विप्र मानसिकता और वैश्य मानसिकता। यह मानसिकता है या जाति नहीं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, चतुर वर्ण माया सृष्टा गुण कर्म विभाग सर, गुण गुण कर्म के अनुसार मैंने इन चारों वर्णों की सृष्टि की। तो इन चारों वर्णों का जो स्वभाव रहा है उसी के आधार पर प्राउट का इतिहास दर्शन तैयार किया गया। इसी तरह यूनानी दर्शनकारों ने भी
मनुष्य को तीन वर्गों में विभाजित किया था, एक्सपेरिमेंट या स्लेव, आर्टिजन और सिटी। सिटीजन हो गए भद्रजन, सबसे डेवलप, सबसे सिविलाइज। आर्टिजन यानी कारीगर या कामगार, और सबसे अधम स्लेव या सेवरेज दास। उस समय दास था बहुत ज्यादा थे। तो ये तीन कैटेगरी में यूनानी दर्शनकारियों ने दर्शनकारों ने मनुष्य को विभाजित किया। लेकिन हमारी परंपरा में, या जो शूद्र क्षत्रिय विप्र और वैश्य, ये चारों वर्ण जो हैं, इतिहास की भूमिका में इन चारों वर्णों का ही क्रम क्रम से महत्व होता है, और यही इतिहास का निर्माण। तो शुद्ध युग में जैसा जानते हैं हम लोग कि मानसिकता का विकास बिल्कुल नहीं हुआ रहता है, बुद्धि का विकास हुआ नहीं है। अभी भी समाज में हम देखते हैं बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बिना दूसरे के निर्देशन के कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अपने मन से वह कोई बड़ा काम या कि छोटा काम कर ही नहीं सकते, उसे पग पग पर निर्देश देना पड़ता है कि तुम ऐसे करो या करो वो करो। तो समाज में अभी भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो शूद्र मानसिकता के। शूद्र मानसिकता हुआ कि जिसका मन का विकास जो है वो बिल्कुल हुआ नहीं है, वो बिल्कुल पशु के स्तर पर। क्षत्रिय मानसिकता है कि हम संघर्ष करके कुछ प्राप्त, वीर भोग्या वसुंधरा, कि वसुंधरा को भोग करने का अधिकार वीरों को। ये एक कलेक्टिव साइकोलॉजी क्षत्रिय एरा की। उसी तरह जब विप्र युग आया, मानसिकता का विकास, तो एक कलेक्टिव साइकोलॉजी हो गई। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि यस्य कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और उसके बाद आजकल जो वैश्य युग चल रहा, इसके हाथ में जब समाज की सत्ता आई, धन में तो इस तरह से कलेक्टिव साइकोलॉजी की व्याख्या की थी। हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हम पॉइंट पॉइंट कर रहे हैं, नहीं तो काफी वक्त लग जाएगा। तो कोई भी अपने पूर्ववर्ती काल में समाज के लिए बहुत लाभदायक रहता है, लेकिन परवर्ती काल में वही शोषक की भूमिका में आ जाती है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, चाहे क्षत्रियों के पास ताकत हो कि नहीं हो, दूसरों की रक्षा करने की क्षमता हो अथवा नहीं, लेकिन अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो शोषक की भूमिका है। फिर उसके खिलाफ एक एंटीथेसिस तैयार होता है, और इस तरह से विप्र का वर्चस्व आता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि का विकास हो गया, और बुद्धि का विकास होने के कारण क्या होता है कि जो क्षत्रिय है वो उस पर निर्भर हो जाता है, नए नए हथियारों का आविष्कार तो बुद्धि ही करती है ना, विप्र ही तो करते हैं, नई नई रणनीति विप्र ही तो बनाते हैं ना।
इस तरह से जब क्षत्रिय निर्वीर्य हो जाते हैं, उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है, वे पूरी तरह से विप्र पर निर्भर हो जाते हैं और विप्रों का वर्चस्व जो है समाज पर बढ़ जाता है। फिर विप्र जब शोषक की भूमिका में आ जाते हैं, तो विप्र काल में होता क्या है कि बुद्धि के कारण समाज की संपदा बहुत बढ़ जाती है। बुद्धि से नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का उद्योग में प्रयोग होता है, उससे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन जब बढ़ जाता है तो इस उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए एक वर्ग का उदय हो जाता है जिसको वैश्य कहा। और चूंकि उसके हाथों में धन इकट्ठा हो जाता है, समाज को लाभ पहुंचाता है, तो समाज उस पर निर्भर होने लगता है। विप्र काल में भी जब विप्रों की बुद्धि शोषणकारी हो जाती और ये पूरी तरह वैश्यों के धन पर पलने लग जाते, तो फिर वे वैश्यों के गुलाम हो जाते हैं और फिर वैश्य जैसा कहते हैं विप्रों को, उसी तरह वे अपनी बुद्धि का उपयोग उनके हित में करते हैं। वो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सारे विप्र दुनिया की पूंजीवादियों के हाथ में बिके हुए हैं। वे वैज्ञानिक हो, समाज वैज्ञानिक हो, कोई हो, कोई एटम बम बनाता है, कोई कुछ करता है, जैसे उसकी आवश्यकता रहती है वैश्यों की, उस आवश्यकता के अनुसार ये जो विप्र है उसका अनुपालन करते हैं। आज वैश्य शोषण चरम स्तर पर, और चरम स्तर पर वैश्य शोषण होने के बावजूद भी कभी कभी आश्चर्य लगेगा कि इनके खिलाफ एक कलेक्टिव आक्रोश जो है उसका एक्सप्रेशन नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वैश्यों ने क्षत्रियों का बल खरीद लिया है, विप्रों की बुद्धि खरीद ली है और शूद्रों के पास तो कुछ है ही नहीं जिसकी कोई कीमत है। तो विप्र और क्षत्रिय दोनों वैश्यों के गुलाम, और गुलामों की आवाज कहाँ निकली? गुलामों की कोई आवाज नहीं होती, वे विद्रोह नहीं कर सकते। तब क्या होता है कि इस शोषण के कारण समाज में असंतोष होता है, और जैसा कि मैंने लिखा था कि इंटेलेक्ट वर्सेस क्या था इंटेलेक्ट वर्सेस इंस्टिंक्ट। हाँ, इंस्टिंक्ट। अब जी तो भूल भी जाते हैं, मन में बात रहती है भूल जाते हैं बहुत सारी बात, कुछ बोलना चाहते हैं भूल जाते हैं। और थोड़ा सा उस किताब उताब रहती है तो उससे रेफरेंस लेने में सहूलियत रहती है। तो यह जो इंस्टिंक्ट वर्सेस इंटेलेक्ट की अभी सोशल मीडिया पर चर्चा देख रहे हैं, तो वो वही है कि आखिर जो मध्य वर्ग की परिभाषा बाबा ने दी है कि मध्य वर्ग कोई क्रय शक्ति के हिसाब से मध्य वर्ग की परिभाषा नहीं दी,
प्रोसेसिंग कैपेसिटी मध्यवर्ती इतनी हो, मॉनेटरी लेवल पर उसकी परिभाषा नहीं दी, उसकी परिभाषा मध्यवर्ती दी गई है कि उसे मानसिकता का विकास होता जी हो, और मानसिकता के एक स्तर पर यानी मनोमय कोश में जब आदमी की पहुंच हो जाती, और मनोमय कोश में पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसके लिए सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें वह कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है, तो उसमें आक्रोश पनपता है। आक्रोश इसीलिए पनपता है कि उसमें चेतना एक स्तर तक विकसित हो चुकी होती है। यदि यह चेतना का विकास उनमें नहीं होता तो यह आक्रोश भी उनमें नहीं होता, शोषण के खिलाफ यह आक्रोश भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मध्यवित्त स्तर के लोग जो क्षमता रहते हुए भी शूद्र का जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास भरण पोषण की सुविधा नहीं है, जिनके पास अपनी मिनिमम एसेंशियलिटीज को पूरा करने की कोई व्यवस्था नहीं, तो ऐसे मध्यवित्त लोग जो हैं वे ही बिशुद्ध शूद्र की अवस्था में आ जाते हैं, और यही बिशुद्ध शुद्ध स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करता है, जिसमें इसकी जीत होती है, और यह विद्रोह ही शूद्र विप्लव के नाम से जाना जाता जी, है। कि ऐसे लोग जो सचेतन हैं लेकिन व्यवस्था और परिस्थिति के कारण वो शूद्रवत जीवन व्यतीत करते, तो ऐसे लोग ही शूद्र विप्लव करते हैं, इनको विक्षुब्ध शूद्र कहा। साम्यवाद में एक टर्म आता है, एक बुर्जुआ और एक जी, क्या तो कहते हैं, देखो भूल गया, प्रोलेटेरियट। तो ये बिशुद्ध शूद्र जो है वो प्रोलेटेरियट नहीं है, सर्वहारा नहीं है, भौतिक रूप में यह हार गया लेकिन मानसिक रूप में यह जीवित है, इसीलिए यह विप्लव कि अग्नि शिखा को प्रज्वलित करता है, और फिर समाज जो है वह फिर समाज शुद्ध विप्लव के बाद एक क्षण के, चूंकि मानसिकता का विकास हो गया रहता है, इसीलिए समाज जो है वह शूद्र व्यवस्था में नहीं आता है बल्कि वो क्षत्रिय आराम। ये बिच्छू शूद्र जो है वो क्षत्रिय की भूमिका में चलता है, और समाज का संचालन जो है वो क्षत्रियों के हाथ में है। तो इस तरह से क्रम क्रम से चारों वर्णों के प्रभुत्व में इतिहास चक्र जो है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता जी, है। और बाबा ने एक नया कंसेप्ट दिया, और इस इतिहास चक्र को उन्होंने नियमबद्ध कर दिया कि चक्र केंद्रे सद्विप्रा चक्र नियंत्र का, एक सद्विप्र का कंसेप्ट था। ये तो सद्विप्र जो है, यह जो इतिहास चक्र चल रहा है अनवरत रूप में, एक कालखंड के बाद एक, एक कालखंड के बाद सॉरी एक, सॉरी सॉरी दादा, अब आप सॉल्यूशन पर आ गए हैं। जैसे
प्रॉब्लम को बताते बताते सोल्यूशन के लिए हम मैं चाहती हूँ कि हम बाकी लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि यही सोल्यूशन, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि सद्विप्रका बाबा ने बोला है। तो अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं बाकी बिल्कुल लोगों को बिल्कुल इस बिल्कुल, चीज़ हम पर तो सुनना ही इनवाइट कर। चाहते हैं, हम तो सुनना ही नहीं चाहते हैं सॉरी इसीलिए। सॉरी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप ये सारी बातें नहीं बताते तो शायद हमारा जो ग्राउंड वर्क है वो इस सब्जेक्ट का तैयार ही नहीं होता। हम सिर्फ शूद्र विप्लव की बातें करते रहते, बट ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या हमारा वर्ण चक्र है, और किस तरह से और सभ्यताएं आई जिन्होंने की, या अलग अलग सिस्टम आए, चाहे वो सोशलिस्ट सिस्टम था, कम्युनिस्ट सिस्टम था, उन्होंने किस तरह से समाज को छुआ। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी हम सभी के लिए जानने के लिए, और आपने जो परिभाषा दी है मध्यम वर्ग की, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। होपफुली मेरे साथ कुछ लोग और भी होंगे, वो भी सुने सुन रहे होंगे। तो बहुत सही कहा आपने कि मानसिक विकास ही डिसाइड करता है कि वो आदमी मध्यम वर्ग का है या उत्तम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, जैसे हमारे उसमें प्राउत में बताया है। तो अब मैं जो है, हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप हम लोग अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि शुद्र विप्लव कैसे आता है ये हम लोगों को पता चल गया, किस तरह से एक एक वर्ण जो है वो सभी वर्णों को अपने काबू में करके उनकी जो ओरिजिनल पोटेंशियलिटीज हैं उसको या तो परचेज करता है या जोड़ के वम्बे उनके साथ प्ले करता है, और उसकी वजह से बाकी सब लोग जो है वो विशुद्ध शुद्र की तरह आ जाते हैं। एंड वो जब बढ़ जाता है लोगों का मन का भाव, तो वो लोग उसको लेके क्रांति करते हैं, जिसे कहते हैं शुद्र विप्लव। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में राजेंद्र दादा हैं, उनको कि दादा इस पे फर्दर प्रकाश डालिए कि ये जो इसके लिए हमें इस, ये तो हर जगह आएगा, बिकॉज ये तो एक सिस्टम है, एक चक्र है। तो और ये जो फाइट है बिटवीन, फाइट जो है ये बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट वो है जो कि आज भी लोगों के साथ चल रही है, जिसने समाज को या तो बहुत अच्छा कर दिया या दूषित कर दिया। तो दादा आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, प्लीज आप अपने वाक्य रखिए। नमस्कार दीदी, आई एम ऑडिबल? जी जी दादा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक इंस्टिंक्ट की बात है, दैट इज बेसिकली इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर सपोज टू कंट्रोल देयर इंस्टिंक्ट्स एंड गवर्न बाय देयर माइंड. सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस. आई विल नॉट गो इन दैट. वी आर द वेरी चैप्टर इज शूद्र विप्लव. तो दादा ने तो बहुत अच्छा कम समय में उन्होंने पूरा इतिहास भूगोल बता दिया. बाबा एक और श्लोक कहते हैं, जगह कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कार द्विज उच्यते, वेद पाठे भवेत विप्रह, ब्रह्म जानति ब्राह्मण. ये जो है, बाय बर्थ एवरीबडी इज अ शूद्र. शूद्र मीन्स हैविंग ऑल द वॉन्ट्स ऑफ एनिमैलिटी, टोटली डिपेंडेंसी ऑन अदर्स. एंड व्हेन वन गेट्स इनिशिएशन, दैट इज वैदिकी दीक्षा, बाबा कहते हैं, दैट इज व्हेन वन लर्न्स हाउ टू प्रे और हाउ टू एक्सप्रेस वंस डिजायर टू बिकम ह्यूमन, द पर्सन इज नोन एज अ द्विज. सो द्विज मीन्स सेकेंड बर्थ. दैट इज द पर्सन इज नो लॉन्गर एन एनिमल. आई मीन यू कैन से नो लॉन्गर इज अ शूद्र. एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू स्क्रिप्चर्स, एक्वायरिंग प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज, द पर्सन नोन एज अ विप्र, वो विप्रतक बन जाता है. एंड आफ्टर गेटिंग तांत्रिकी दीक्षा, बाबा कहते हैं, दैट इज साइको स्पिरिचुअल इनिशिएशन, जो कि हम लोग साधना करते हैं. इनिशिएशन इज अ रियल्म ऑफ साइको स्पिरिचुअलिटी. द पर्सन बिकम्स ब्राह्मण. सो दैट इज वॉट वी हैव सीन. एक बात याद आ रही है, 3,500 साल पहले जब कृष्ण का समय था, महाभारत का समय था, तो जैसा दादा ने भी बताया, एक श्लोक का जिक्र किया जिसमें कृष्ण कहते हैं कि हमने चार वर्ण की रचना की है. मनुष्य अपने मानसिक कलर
यानी कि एटीट्यूड और कर्मधारा के अनुसार वो उस वर्ण में जाता था। और कृष्णा के समय तक आप कृष्ण का परिवार देखिएगा, आई विल नॉट गो इन डिटेल, दे आर ऑल मामा क्षत्रिय थे। वो जहाँ रहते थे वो खुद ही ग्वाले थे, और गर्ग जी जो है मुनि थे, मतलब ही वॉज ए ब्राह्मण। सो दैट वे दैट वॉज क्वाइट प्रैक्टिकेबल, जो चीजें थी वहां तक थी। तो यही है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। तो ये जो है मनुष्य में, ये आनंद मार्ग इस बात को मानता है, देखिए द ब्यूटी, वी डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग है जब हम कहते हैं कि वर्ण प्रधानता चक्रधारा है। हम वर्ण की बात भी करते हैं और हम कहते हैं दैट वी डोंट बिलीव इन कास्टिज्म। तो एक आम आदमी को ये कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। मैं आज इस पॉइंट को लेकर के चल रहा हूं। तो बट ये बताना बहुत जरूरी है कि वी बिलीव इन वर्णा, मतलब मेंटल कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हर व्यक्ति में या तो चार कलर का ही होता है वो, या तो वो काला कलर का होता है जिसको शूद्र मानसिकता कहते हैं, या तो रेड कलर का होता है जिसको क्षत्रिय एनर्जी मानसिकता, जिसको वॉरियर्स कहते हैं, योद्धा कहते हैं, या तो वो विप्र मानसिकता का होता है, बुद्धिजीवी होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, जिसको कि हम वाइट कलर, जिसको शुभ्र कलर से जानते हैं, या तो वो वैश्य होता है, कुछ बनाने गढ़ने वाला, उसको कहते हैं पितृ, पीले वर्ण का होता है। सो दीज आर द फोर वर्णास ऑन विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड। तो ये जो है मानसिक कलर का जो बात है, और दूसरी जो बात आती है, हमने देखा है कि वर्ण प्रधानता चक्रधारा है, हम जो बाबा बोल ही दिए हैं, तो ये सच बात है कि इन, ये तो अभी पहला सर्कल साइकिल चल रहा है। तो पहले साइकिल में हम लोग देख चुके हैं, इवन आपने देखा होगा बाबा का पहला ही प्रवचन है कि उसमें बाबा लिखते हैं कि मनुष्य जो है सभी शूद्रवत थे शुरू में, बाद में फिर क्षत्रियों का, वॉरियर्स का राज्य आया, फिर वो एक्सप्लॉइटर्स हो गए, जैसे दादा बोलते हैं, परिस्थिति के दबाव में या अपना अस्तित्व बचाने के लिए। इसी तरह से आज हम आए हैं, वो है वैश्य युग में पहुंच गए हैं, जो कि येन केन प्रकारेण वो अपना वर्चस्व रखना चाहता है। तो इस समय जो दादा ने बताया विशुद्ध शूद्र, यानी कि वो है तो शूद्र जैसे, उनका रहना, उनको रहना पड़ रहा है, उनकी जीवनचर्या अंडर द सर्कमस्टांसियल प्रेशर वो वैसा रह रहे हैं, वैसे उनकी मानसिकता जो है क्षत्रिय की है या विप्र की है, तो वैसे लोग जो है उनको विशुद्ध शूद्र कहते हैं। तो ये जो, और उन्हीं से समाज में परिवर्तन आता है, हालांकि वो मोटिवेट करके शूद्रों का सहायता लेकर के रिवोल्यूशन लाते हैं, लेकिन शूद्रों के हाथ में जब रिवॉल्यूशन के बाद जब पावर आता है, तो फाइनली उनके हाथ से स्वभावतः क्षत्रिय यों के हाथ में आता है, बिकॉज दे नो हाउ टू गवर्न। शूद्रा डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। और जहां तक बात कहते हैं आनंद मार्ग, तो सही में एक रिवॉल्यूशन है, जो विप्लव की बात कहते हैं। एक और बात मन में आ रही है दीदी, इफ यू गिव मी टाइम, कि बड़ा कंफ्यूजन है समाज में। आज तक लोग क्रांति की बात करते आए हैं कि फ्रांस की क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति। बाबा इसको इतना, दैट इज व्हाई वी कॉल आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन, एंड आनंद मार्ग इज नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक, सोशल एंड मेंटल रिवोल्यूशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि क्रांति आज तक जिस, उसी को लोग कहते थे कि रिवोल्यूशन, नो, बाबा सेज इवोल्यूशन इज क्रांति एंड रिवोल्यूशन इज विप्लव, दैट इज तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धनम विप्लव। जी तो विप्लव और क्रांति में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, और उसको बाबा ही बताते हैं। इन दैट सेंस ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज अ रिवोल्यूशन। सो बाबा एक जगह शूद्रा रिवोल्यूशन एंड सद्विप्र सोसाइटी में कहते हैं कि विप्लव तब होती है जब आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में केवल दो वर्ग रह जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, विप्लव तब होते हैं जब आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में केवल दो वर्ग रह जाते हैं, शोषक वैश्य और शोषित शूद्र।
यहाँ पर शोषित शूद्र में वो सभी विक्षिप्त शूद्र शामिल हैं जो मानसिक रूप से वो या तो विप्र हैं या तो क्षत्रिय हैं। तो ये जब दो पार्ट में बट जाते हैं, लेकिन यदि मानसिक दृष्टि से विप्र और क्षत्रिय नहीं हैं, तो दूसरे शब्दों में यदि ऐसे लोग नहीं हैं जो आर्थिक दृष्टि से शूद्र होते हुए भी मानसिक दृष्टि से विप्र या क्षत्रिय हैं, तो शूद्र शूद्र विप्लव संभव नहीं होगा। ये बात समझने लायक है। और जो विप्लवी जो लोग हैं, रिवोल्यूशन जो है वो लाना शूद्र मानसिकता वाले लोगों का काम नहीं है। वे संघर्ष से बचते हैं, वे वैश्यों के खिलौने हैं। आज भी आप यदि उदाहरण के तौर पर देखिए, आई डोंट नो वेदर आई शुड कोट, बट किसी न किसी विधा का यूटिलाइज करके शूद्र विप्लव को टाला जाता है। उदाहरण के लिए, आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देना इज नथिंग, बट टू कूल डाउन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्यूशन। तो वैश्य युग के उच्च बिंदु पर वैश्य आसानी से शूद्र मानसिकता वाले शूद्रों को अपने वश में कर लेते हैं, जैसा कि आपने देखा, ये छोटा छोटा जो फ्रीबीज दे करके। यदि क्षत्रिय और विप्र बुद्धि शूद्रों में भावनात्मक दृढ़ता की यदि कमी है, तो वे वैश्यों के धन से खरीदे जाएंगे। मान लीजिए कि वैश्य और सॉरी क्षत्रिय और विप्र बुद्धि के लोग भी हैं, बट उसमें से बहुत लोग, छोड़ो मेरा तो नौकरी लग गया, छोड़ो मेरा तो काम हो गया, वो तुरंत बिक जाते हैं। तो इस प्रकार शूद्र क्रांति अंततः उन शूद्रों पर निर्भर करती है जो दादा बता रहे थे, जिनके पास पर्याप्त भावनात्मक दृढ़ता के साथ उनमें रिवोल्यूशन है, और जो मानसिक रूप से विप्र या क्षत्रिय हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट हाउ द वैश्य सिस्टम जो है वो इस रिवोल्यूशन को कूल डाउन करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है, और जी जिसमें वो सफल होता रहता है, और इस तरह से रिवोल्यूशन जो है वो टलता रहता है। तो एक जगह और बाबा संस्कृत और सभ्यता का अंतर संबंध में कहते हैं कि सामाजिक चेतना का तात्पर्य किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव और उस विचारधारा के कारण लोगों में नई जागृति से है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक महान व्यक्तित्व का होना और एक महान नेतृत्व का होना, जो केवल आनंद मार्ग के पास है, जिसको आप सिक्स स्पोक्स ऑफ सोशल साइकिल में आप जानते हैं, वी हैव एन आइडियोलॉजी, वी हैव अ परसेप्टर। अतः शूद्र विप्लव के लिए एक सशक्त व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, और जब तक इसका अभाव है तब तक सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। सामाजिक विप्लव की तो बात ही दूर की है। तो समाज को सही मार्ग पर ले जाने के लिए दो कारक आवश्यक हैं। एक है महान विचारधारा, आइडियोलॉजी, जो आपके पास है, एज आई टोल्ड यू कि आनंद मार्ग इटसेल्फ इज अ रिवोल्यूशन, और उसके पास अपना एक आइडियोलॉजी है, और एक महान व्यक्तित्व। हमारे यहाँ महान व्यक्तित्व जो दार्शनिक है वो है प्रभात रंजन सरकार, देयर इज नो कंपैरिजन। तो जो लोग समाज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके विनाश की आशंका से भयभीत दिखाई देते हैं, वे नहीं जानते कि दुनिया में अभी तक समाज की सही भावना का निर्माण ही नहीं हुआ है। इसलिए जो दादा बोल रहे थे, अब हमारा प्रथम कर्तव्य एक समाज बनाना है, सामाजिक चेतना का बीज जो हमारे संघ छद्म मंत्र में निहित है। बाबा बोलते हैं कि दिस इज द बेस ऑफ प्राउथ। यहाँ ऐसा कोई मंच नहीं है, वहां कोई विचारधारा नहीं है, और जहां कोई विचारधारा नहीं है वहां जीवन का लक्ष्यहीन यात्रा है। इसलिए आप देखे होंगे आजादी के बाद, इसको बाबा एक जगह कहीं कोट करते हैं कि इसको मैं 3 या 4 पार्ट में बांट सकता हूं, कि दैट इज व्हाट वी विटनेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि चाहे उसको नेहरू एरा कह सकते हैं, गांधी एरा कह सकते हैं, जनता दल एरा कह सकते हैं, और आज बीजेपी एरा कह सकते हैं। और इन्होंने, किसी ने एफर्ट नहीं डाला है अंटिल नाउ कि इंडिया को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंट्री के रूप में बनाया जाए। सबने पॉलिटिक्स ही किया है। इसीलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा दीदी, और लोग भी हैं बाबा, इसीलिए 44 समाज दिए कि यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अबाउट 44 सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स मे बी फाउंड फॉर्म्ड।
और वहां से सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से जब लोग स्वनिर्भर हो करके और फिर एक दूसरे में मर्ज करने लगेंगे, इस तरह से बाबा की कल्पना तो महाविश्व तक गई है। तो ये एक तरीका है जहां से शुरू करना चाहिए। अभी तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यू कैन सी पीपल विन द इलेक्शन और 5 साल तक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, ये इनका काम है। सो इस तरह से समाज में, भारत में परिवर्तन नहीं आएगा, न तो रिवोल्यूशन हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, आगे किन्हीं और को बोलिए, और जी थैंक यू जी जी सो मच। थैंक यू दादा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से दादा आपने बताया। इनफैक्ट हमने तो आपकी क्लासेस भी ज्वाइन की हैं, तो आज वापस से वो याद ताज़ा हो गई हम लोगों की। अब मैं एक तो राकेश शर्मा जी से, जो राकेश जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दादा प्लीज़ आप राकेश कुमार जी अपना आप माइक बार बार अनम्यूट मत कीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। एंड सेकंड मैं बुलाना चाहती हूँ गीता रॉल दीदी को। बेसिकली देखिए, विशुद्ध शुद्र जब करते हो जाते हैं और उसके बाद विप्लव आ जाता है, जहाँ पर हमें एक अच्छा लीडर चाहिए और स्ट्रांग मानसिकता वाले लोग चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो शूद्र नेरा आया हुआ है, मतलब विशुद्ध शूद्र है, इनका डिग्रेडेशन कितना ज्यादा होता है, वो समाज में हमें कितना तंग कर रहा है। वी शुड लुक इनटू दैट टू। खाली ये नहीं कि पैसे नहीं मिल रहे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति नहीं खराब है, उनका मानसिक, जैसे दादा ने कहा कि मानसिक स्थिति बहुत ऊंची पहुंच गई है, हो सकता है वो दिमाग से आज राजा की स्थिति में पहुंचे हैं। मे भी कोई बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर भी आपको उनमें से मिल जाएंगे, बट वो रहे तो एज ए शूद्र रहे हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है। तो इसका साइड इफेक्ट और ज्यादा समाज में किस तरह से है, मैं जानना चाहूंगी दीदी से। और बाकी लोग भी जो बोलना चाहें प्लीज अपना हैंड रेस कर दें। गीता रॉल दीदी, दीदी आप हैं क्या? हाँ दीदी, हैंड रेस किए हुए हैं आचार्य जी, अमृता अमृताक्षर। आचार्य अमृताक्षरम दादा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। प्लीज दादा आप अनम्यूट कर लीजिए, इफ पॉसिबल वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज जैसा आपको सबको करना। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दादा। आज आप लोग मेन सब्जेक्ट पर नहीं आ रहे हैं। मेन सब्जेक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड शूद्र विप्लव है। देखिए, शूद्र विप्लव में क्या होता है, मनुष्य आहार निद्र भय मैत्र में बिजी हो जाते हैं, उनको आदर से कोई मतलब नहीं है। ये वो जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी यही है। इंस्टिंक्ट क्या है? आहार निद्र भय मैत्र में अपने आप को व्यस्त रखना। देखिए, शूद्र का जो इंस्टिंक्ट में मनुष्य के इंस्टिंक्ट 4 है, लेकिन एक्स्ट्रा एक इंस्टिंक्ट है इंटेलेक्ट। जैसे आहार निद्र भय मैथुन सभी प्राणियों में पक्षियों में रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक एक्स्ट्रा गुण है, वो इंटेलेक्ट है। वो इंटेलेक्ट भी शूद्र हो गया है। माने एक व्यक्ति अपने आप को धन कमाने में, माने आत्म प्रधान नहीं हुआ करके धन कमाने में और लगाता अपना पूरा जीवन वो साधना नहीं करता है। अब आनंद साधना पद्धति में लाकर उसको विप्र बनाएंगे, विप्र के बाद सद्विप्र बनाएंगे। ये आनंद मार्ग का उद्देश्य है। तो इस सद्विप्र बनाने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आनंद मार्ग इस पद पर लाना पड़ेगा। शूद्र विप्लव मतलब वो हमेशा हमेशा तमोगुण में रहता है। मैं स्वाध्याय पढ़ा इस संडे, उसमें बाबा बोले सतयुग में ब्राह्मण थे, वहां विपुल लोग थे। त्रेता युग में ये थे वैसे, त्रेता युग में मन प्रधान लोग आ गए और द्वापर में शरीर प्रधान। अब क्या है, बाबा बोल रहा है ये आयरन एज है, इसमें अन्न प्रधान लोग है। मैंने आहार निद्र भय मैत्र में अपने आप को लगाते हैं, उसको ये भी मालूम नहीं है, इससे भी ऊपर एक इंटेलेक्ट है, उसको डेवलप करो। कैसे? मेडिटेशन करके। यही शूद्र विप्लव है। इस शूद्र लोगों को हम लोग समझाना पड़ेगा, आपका उद्देश्य केवल आहार निद्र भय मैथुन नहीं है,
आपका आपके अंदर मन भी है, आत्मा भी है, उसको कैसे डेवलप करना। आनंद मार्ग हम लोग सदीपुर लोग कितने हैं मालूम नहीं है, हम लोग तो दीक्षा ले लिए, हम लोग विपुर बन गए, वो सदीपुर भी बन गए, लेकिन संख्या बहुत कम है। इस कम संख्या में हम शुद्ध विप्लव नहीं ला सकते, अधिक संख्या ज्यादा से ज्यादा मार्गी बनाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। बाबा बोले जिस दिन हर व्यक्ति आनंद मार्ग के बारे में जानकारी ले लेगा उस दिन आनंद मार्ग की स्थापना होगा। अब आनंद मार्ग को कितने लोग जानते हैं, आनंद मार्ग को कितने लोग जानते हैं बोलिए, एक माने 900 करोड़ लोगों में एक 6 करोड़ जानते, 6-10 करोड़ आनंद मार्गी होंगे, बाकी लोग शूद्र में हैं। इसको लाना है, ये हम लोग कंधे पर ज्यादा भार है। हम लोग सद्यपुर समाज बनाएंगे, शूद्र को सद्यपुर बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्रांति कैसे आएगा, क्रांति डायरेक्ट लड़ाई करने से नहीं होता, क्रांति 3 लेवल में होना चाहिए, फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इमोशनल इकोनॉमिकल, ये सब लेवल में क्रांति आना पड़ेगा। क्रांति मतलब हम लोग सोचते हैं फाइट करना, फाइट मतलब फिजिकल फाइट नहीं करना है, मेंटली लोगों इस तरह का कॉन्फ्रेंस करते हैं ना आप लोग, इसके मेंटालिटी बदलना है। भाई आप धन पर निर्भर मत रहिए, आपके अंदर एक आत्मा है, मन भी है, उसको डेवलप कीजिए, हमारा और आपका कर्तव्य है। लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे है, शूद्र विप्लव सदीप लोगों को लीड करना पड़ेगा। हम लोग सदीप बन गए हैं लेकिन बाकी लोग तो शूद्र ही है अभी भी। हाँ सदीप और हम लोगों में कोई भी दोष है उसको निवारण करके हम लोग के अंदर भी शूद्र क्वालिटी हो सकता है, उसको भी निवारण करना पड़ेगा, साधना अच्छा करना पड़ेगा, तो हम लोग और मजबूत सदीप बनना पड़ेगा। नॉर्मल सदीप बन गए, मजबूत सदीप बन के हम दूसरे को सेटिंग एन एग्जाम्पल, आप भी हमारे जैसे रहिए, 16 पॉइंट फॉलो करने के लिए प्रयास कीजिए, यम नियम पालन करने प्रयास कीजिए, पूरा नहीं हो सकता इस तरह का समझाना पड़ेगा। लेकिन ये काम में हम लोग अभी कमजोर है, यही है हमारा उद्देश्य है सदीपुर समाज बनाना। आज से हम लोग ये संकल्प लेंगे, हम हर एक व्यक्ति को आनंद मार्ग के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करेंगे। लाना कैसे, भाई आप मन को डेवलप कीजिए, आप आत्मा को डेवलप कीजिए, धन पर निर्भर मत रहिए। बाबा उसमें बोल रहा है अभी मनुष्य अन्न प्रधान बन गया, आत्म प्रधान था जब सत्य युग था, अभी हम लोग आत्म प्रधान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, हम लोग पहले आत्म प्रधान बन गए, हम लोग तो बन गए, लेकिन और बनना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। आज से जी एक मार्गी बोलेंगे मैं 50 लोगों का आनंद मार्गी बनाऊंगा, दीक्षा देना नहीं देना बाद में हम लोग देखेंगे। हर एक आनंद मार्गी जितने हैं पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल में 44 समाज में, सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा, 50 50 लोगों का हम लोग आनंद मार्ग ही बनाएंगे, माने आनंद मार्ग के बारे बताएंगे, तब जी एक सदीपुर शुद्ध विप्लव जा करके सदीपुर यार आने वाला है, हम लोग को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, यही मुझे बोलना था। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है दादा आपकी कि हमें लोगों को सद्विप्र बनाना होगा। जब तक हम उन्हें उस एरा से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम कोई नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सही बात है दादा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। स्नेहा पाटिल दीदी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। दीदी एडवोकेट स्नेहा पाटिल दीदी हैं, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार। हाँ एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं इस बारे में, मैं अभी लर्न कर रही हूँ। हाँ अच्छा, एक हमारे यहाँ एडवोकेट स्नेहा दीदी भी हैं, तो मुझे लगा आप वही हैं। कोई बात नहीं दीदी, प्लीज आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, एंड जो हमारी क्लासेस हैं वो भी आप अटेंड करते रहिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब अगर हाँ दीदी कोई हैंड रेस करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। अदरवाइज स्वर्णलता दीदी जो समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, शायद बहुत अच्छे से समाज को देख भी रही हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह के लोग आते हैं जब वो दीदी की रसोई चलाती हैं। तो दीदी आपको जो ये इस तरह से एक कॉमन लैंग्वेज में, हमने तो बात की शुद्र विप्लव और विशुद्ध शुद्र, मैं उसकी बात ना करके कॉमन लैंग्वेज में बात करना चाह रही हूँ कि क्या होता है अगर आप एक बहुत ही
हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी को बांध के रखने की कोशिश करते हैं तो कहाँ डिग्रेडेशन होता है, क्या नुकसान होता है उसमें? स्वर्णलता दीदी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी दीदी नमस्कार, नमस्कार सर जी को। दीदी नमस्कार नमस्कार। मैं तो आप सब लोगों को सुन रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कोल्ड हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपना थोड़ा बताना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हूँ हर तरह के लोग आते हैं, और उस समय जैसे मैं लोगों का व्यवहार देखती हूँ तो कोई बड़े सॉफ्ट होते हैं, कोई बड़े हार्ड होते हैं, तो उस समय एक मन में बड़ी ये इच्छा करती है कि मैं जहां जहां भी मैंने किचन लगाई है तो वहां पे कम से कम अगर मुझे कुछ मार्गी दीदी या कुछ लोग मुझे साथ दें तो मैं कम से कम महीने में वहां एक छोटा सा प्रोग्राम मतलब इस तरह का रख दिया करूं ताकि कुछ लोग सुने समझें, क्योंकि वो भी मेरे आचरण और व्यवहार से बड़े खुश होते हैं, और जिस जहां पे मैं खड़ी होती हूँ जिस पॉइंट पे वहां सेम्पथाइजर भी हो जाते हैं, जैसे यंग लड़के भी हैं, तो मेरा मन करता है कि भाई कोई ऐसा हो जो इन्हें पकड़ के बांध के रखे, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ उन्हें बताती रहती हूँ, अपना एक सीडी प्लेयर भी लगा देती हूँ, और मुझे यही होता है कि ये दादा की बात बिल्कुल सही है कि हमें सबसे पहले मैक्सिमम प्रचार करने के लिए अगर कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसे हमें खोना नहीं चाहिए, तो उसमें हमें मिलके साथ देना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें अभी मैं आज जहाँ केशवपुर खड़ी होगी 3-4 लड़के हैं, अभी मैं गाड़ी से सामान उतारना शुरू करती हूँ तो वो फटाफट एकदम इतनी हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं, कोई सामान उतारेगा, कोई बांटने लग जाएगा, कोई तो मतलब उन्हें अच्छा लगता है ये साथ में कहना, तो मुझे उनकी मानसिकता को देख के मेरा मन करता है कि मैं इन्हें थोड़ा सा इंस्पायर करूं, इन्हें कुछ बातें बताऊं, तो कैसेट लगा देती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोग जो खाना खाते हैं लेबर क्लास भी, वो कहेंगे एक दिन नहीं अगर सीडी प्लेयर लेके गई तो वो आज आपका बाबा नाम केवलम नहीं लगा, तो मतलब वो इस तरह बोलते हैं और साथ साथ गाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम कोई सीड तो उनके अंदर जा रहा है, अगर वैसे शब्दों से नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बिजी होती हूँ, तो कम से कम अगर सीड प्रचार करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक पहले मार्गी नहीं बनाएंगे तो कहाँ से सद्विप्र बनाएंगे और कहाँ से मॉरलिस्ट इकट्ठा करेंगे, तो यही है कि सभी अगर थोड़ा थोड़ा भी योगदान करें इस बारे में तो कभी कोई थोड़ा सा टाइम निकाल के आए और मैं वहां पे लोगों को इकट्ठा करके रखूं और उन्हें कुछ सुनाएं समझाएं दो बातें सिखाएं, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली तो ऐसी जगह है यहाँ हर समाज का बंदा है, यहाँ जो 44 समाज हम कहते हैं यहाँ से कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से, कोई बॉम्बे से है, लेबर भी हर क्लास की है और हर तरह के लोग हैं जिस जिस जगह पे मैं खड़ी होती हूँ, कम से कम वो एरिया ऐसे हैं कि हर जगह के लोग हैं वहाँ पे, तो जी जी कहीं ना कहीं तो हमारा मैसेज जाएगा ना, पहुंचेगा कि हर समाज में ये जी मैसेज हमारा पहुंच सकता है कि आनंदमार्ग कोई चीज है, कोई संस्था है, तो यहाँ पे किसी के आचरण व्यवहार से मतलब इतनी तो शालीनता है ना कि कम से कम जरा भी भेदभाव नहीं रखा जाता, नहीं तो लोग, अब आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं एक दिन खाना बांट रही थी तो खाना बांटते बांटते नीचे तले में ना चावल लग गए, जैसे जल जाते हैं चावल, तो जी जी मैंने जी निकाल के चावल को ना प्लेट में रख दिया तो एंड हो गया बटने का, तो एक लेबर वर्कर आया और आते ही ना वो चावल को उठाया और खाने लगा, तो मुझे भाई जो दूसरे लड़के खड़े थे तो मैं कह रही थी आज चावल ना जल गए, तो कह रहे आंटी कोई बात नहीं गिलहरी खा लेगी, तो लेकिन गिलहरी के खाने से पहले जब उन्होंने उठाया तो मेरा एकदम रोना निकल गया, मैं कह आज हमारे समाज की ये अवस्था है, व्यवस्था है कह लो जो भी कह लो, मैंने कहा इस बच्चे को इतनी मजबूरी होगी कि वो कह रहे नहीं मैं यही खाना खाऊंगा, वो इतना भूख से बेचैन था, तो वो कहने लगे कि आंटी आप क्यों रोने लगे, तो मैं कह मैं इस समाज की व्यवस्था को देख के रो रही हूँ कि इंसान इतना मजबूर है कि वो जला हुआ खाना खाने पे मजबूर हो गया, तो कह रहे आप तो जो कर, मैं कह नहीं मैं तो एक समुन्द्र में बूंद भी नहीं कि जो मैं किसी की भूख मिटा सकूं जो सब लोगों की, इस तरह की हर दिन कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई घटना ऐसे आती है कि जो झंझोड़ के रख देती है कि कब सद्विप्र समाज आएगा,
अध्यात्म आएगा, कब लोगों में मॉरेलिटी आएगी, ये जब इंसान खड़ा होता है ना, वो रोज रोज जब देखता है और झेलता है तो मन ऐसे हो जाता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, जितना कर सको करो, जो दिमाग से बुद्धि से कर सकता है बुद्धि से करे, जो शरीर से कर सकता है वो शरीर से करे, जो अनंत मार्गी बन गया तो उसे बैठना नहीं चाहिए, उसे जरूर ही करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी नमस्कार। दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत वैल्यूएबल है आपके एक्सपीरियंसेस, और आप बहुत कुछ कर रही हैं। आपका बिल्कुल सही है कहना है कि हमें कम से कम महीने में एक बार तो उस जगह पे जाके प्रोग्राम करना चाहिए। इनफैक्ट हम जीपी मेंबर्स की ये ड्यूटी भी बनती है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक दो बात आप बोलना चाहता हूँ, एक बात जी बोलना दादा, चाहता जी दादा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट हूँ। वेलकम, जी दादा, मोस्ट वेलकम, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका। सदुपयोग होने के लिए ये चार गुण एक ही आदमी में रहना चाहिए, वो विप्र भी होना चाहिए, क्षत्रिय भी होना चाहिए, वैश्य भी होना चाहिए। खाली शूद्र रहने से नहीं होगा, करेज भी रहना चाहिए, हम लोग फाइट करना चाहिए, बुद्धि भी रहना चाहिए। ये चार गुण एक आदमी में रहने से वो सदविप्र होता है। खाली ध्यान करने से नहीं होगा, फाइट भी करना पड़ेगा, वो बिजनेस टैटिक्स भी रहना चाहेगा। ये क्षत्रिय गुण, वैश्य गुण, विप्रन गुण सभी एक में रहना, तब कुछ चेंज आने के लिए शुरू होता है। जब तक वो एक ही शूद्र रहने से या वैश्य रहने से या क्षत्रिय रहने से बदलाव नहीं आता, वही ये बदलाव आने से वही विप्लव है, वही क्रांति है। ऐसा चार गुण में एक आदमी में रहना चाहिए। ऐसा हम लोग करने के लिए, हम लोग अभी डीसी करते, ध्यान करते हैं, सेमिनार करते हैं, उतना ही है। और वो दूसरा वो अधर्म देकर फाइट करने के लिए नहीं जाएंगे। और जो ऐसा फिलॉसफी है बाबा जी, वो सबको विप्रम बनना भी चाहिए, अब शूद्र भी रहे, सभी चारों गुण एक आदमी में रहता है, सभी कोई ना एक ज्यादा रहता है, उसको यूज करना है, लेकिन ट्रेनिंग होना चाहिए। हम लोग शूद्र भी रहना चाहिए, क्षत्र भी रहना चाहिए, वैश्य भी रहना चाहिए, विपणन भी रहना चाहिए, तब कुछ जो चेंज आता है, तब तक नहीं आएगा। हम लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे, वो अभी दूसरे सभी बाबा का फिलॉसफी पढ़ता है, सब पढ़ता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, प्रैक्टिकल में हम लोग करने के लिए कोई प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम लोग ओनली एडवाइस कर रहे, थ्योरी बोल रहा है, बाबा ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए 100 में एटलीस्ट 1%, 0.01% प्रैक्टिकल में करने के लिए हम लोग सोचना चाहिए। इतना ही धीरे। नमस्कार। नमस्कार दादा, थैंक यू, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशन दिया कि हम लोगों को प्रैक्टिकल करना चाहिए, एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो देखिए डिपार्टमेंट्स कुछ कुछ अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्मी में अगर जो रसोइया है वो जाके में लड़ने पहुंच जाता है, वो अपना काम कर रहा है। तो हमारे पास भी टीम है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, हमारे यूपीएसएफ के बच्चे हैं, जीपीएसएफ, जीपीवाईएफ के लोग हैं, ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है वो उनको गाइडेंस दे रहा है। जैसे स्वर्णलता दीदी ने कहा, जिसका दिमाग चलता है वो दिमाग से काम करे, शरीर चल रहा है शरीर से काम करे, काम सभी कर रहे हैं। बात यह है दादा कि ये काम इतना ज्यादा है, करने वाले कम है, तो ये जैसे दीदी ने कहा कि सागर में एक बूंद के बराबर भी नजर नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों का धैर्य जो है उसको लेके विचलित हो जाता है। लेकिन विचलित होने से बात नहीं बनेगी, जैसे आपने आवाज उठाई ऐसे अगर हम सभी मिलके धीरे धीरे आवाज उठाएं, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, तो डेफिनेटली आएगा, और काफी आया है, काफी आया है। हम ये नहीं कह सकते कि जागरूकता नहीं आई है। एक्सक्यूज मी, अभी प्राउड का कोऑपरेटिव में बहुत बोलते हैं हम लोग, बहुत हम लोग वो 50 ईयर से बोल रहे, एटलीस्ट छोटा सा एक कोऑपरेटिव को कुछ करना है ना, मुझे भी मिलकर छोटा सा, और कोई बड़ा बड़ा नहीं है,
हम लोग थ्योरी बोलते रहते हैं 50 साल से, मैं भी 60 साल से हूँ आनंद मार्ग में, 60 साल से हूँ। अब तक को स्कूल सभी गांव में होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार 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 दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वैल्यूएबल आपने कहा। और ये एक ट्रू आनंद मार्गी की चिंता बिल्कुल जायज है और होनी भी चाहिए ऐसी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर हम लोग चल रहे हैं। बट हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे हमने कहा सद्विप्र में सभी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये भी एक धैर्य रखना भी एक क्वालिटी है सद्विप्रों की। धैर्य से हम लोग आगे चलेंगे, इसको देख के विचलित होके काम अपना रोक नहीं सकते। हो सकता है स्पीड कहीं स्लो हो, कहीं काम तेजी से हो रहा है, कहीं काम धीरे हो रहा है, लेकिन हमें धैर्य तो रखना ही पड़ेगा और इस बात का विश्वास मजबूती से मना के रखना पड़ेगा कि इसमें हम सबकी विजय होगी, हम सब इस कार्य को कर लेंगे। शायद समय थोड़ा लग जाए, लेकिन ये काम होगा ही। तो बहुत तेजी से दादा हम लोग काम कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिए, जैसे दादा कह रहे थे बहुत कम है, मैं कहती हूँ जितनी बड़ी सेना हम आनंद मार्गियों के पास है, विदाउट सैलरी इतने लोग, विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट इतने लोग लगे हैं, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जिसमें इस तरह की लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, नहीं है। हमारे यम नियम के 16 पॉइंट के फॉलोअर की जितनी बड़ी लिस्ट है, इसको आप छोटा मत आंकिए कि इतनी बड़ी विश्व की जनसंख्या में बहुत कम है। मैं कहती हूँ पूरे विश्व में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बनी आज तक जो इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ सके। कहीं ना कहीं उन लोगों के इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। आप देखिए ना, यूएनओ वगैरह सब बनी थी, किस पर्पज से बनी थी? पूरे वर्ल्ड में शांति लाने के लिए। लेकिन एक आनंद मार्गी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोग विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट के, बगैर किसी लालच के और यम नियम के पक्के और 16 पॉइंट के पक्के लोग इसमें साथ जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, इसको आप कम मत समझिए। हाँ, इसमें जरूरत है इसमें और लोगों को जोड़ने की। अब इन्हीं बातों के साथ अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे एक डॉक्टर दर्शन लाल नेहरी जी हैं सामने स्क्रीन पर। आई रिक्वेस्ट दादा, मैं यंग जनरेशन को भी बुलाना चाहती हूँ ताकि हमें जो बता सके कि क्या मेन इश्यूज हैं। नमस्कार दीदी, नमस्कार। मैं मुरैना से हूँ, अभी वर्तमान में नागते शिला समसवाद में हूँ, विदिशा जिले में। हमें मिस्टर एम एस नागरिया जी की सानिध्य में मैंने साधना ली थी जी। तो अभी मैं साधना से थोड़ा सा कटा हुआ हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब साधना तो कर रहा हूँ परंतु यम नियम का फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, अत व्यस्त के कारण। मुझे भी इस बात की वो बाबा जब जिस दिन मुझे साधना दी थी उस दिन ऐसा लगा बाबा जी हम लोग अत व्यस्त हैं नहीं कर पाएंगे। तो बाबा बोले दादाजी के बीज अपन बो देते हैं, जब फसल में उसको वातावरण मिलेगा उससे अपने आप उपजेगा। तो ऐसा अंकुरण मेरे अंदर श्रद्धा है, जागृति है और सोचता हूँ, किंतु राजस्व की नौकरी में वो अपना समय नहीं दे पा रहा हूँ। इस बात का मुझे अत्यंत फीलिंग भी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मुरैना में जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, विदिशा जिले में संस्था नहीं है अभी एक्टिव। तो मेरा निवेदन ये है कि मैं पूर्ण रूप से अभी समय नहीं दे पा रहा दूंगा जरूर। और समाज को जब तक तो मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे जब तक विकास नहीं होगा। वास्तव में आनंद मार्ग संस्था ऐसा है, मैं डीएमएस में भी गया कलकत्ता में, तो बाबा का जो सिद्धांत है, दर्शन है, वो विश्व में अद्वितीय है। इसको जब तक अपन फॉलो नहीं करेंगे, समाज का विकास नहीं करेंगे, तब तक देश संसार में शांति कायम नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल सत्य है कि 16 पॉइंट का पालन, यम नियम का पालन और साधना का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तभी वो विकास हो पाता है, मानसिक विकास हो पाता है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। सुभाषिता दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अवधूतिका सुभाषिता आचार्य, मुंबई की DSL दीदी हैं। दीदी दो शब्द आपके मुंह से जरूर सुनेंगे,
सुभाषिता दीदी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सुभाषिता नमस्कार दीदी, दीदी। जी जी नमस्कार। हाँ जी दीदी नमस्कार, सभी मार्गी दादा एवं दीदियों को, सबको। दीदी दादा नमस्कार। लोग तो बहुत अच्छा बोले, सब तो बोल ही दिए। अभी क्या है? ठीक है, मैं बस यही बोलना चाहूंगी दीदी, जो दादाजी बोले सबसे पहले अपने बड़े दादा प्रद्युम्न नारायण दादा, तो सारे वर्णों के बारे में बोले, फिर राजेंद्र दादा बोले, और वो दादाजी, सब में यही निकल के आ रहा है दीदी कि आज के समाज में बाबा ने हम लोगों को चुना है, तो हम लोगों को ही सबसे पहले आगे बढ़ के घर घर तक प्रचार करना ही पड़ेगा कि आनंद मार्ग में हमारे जो गुरु आनंद मूर्ति जी और पीआर सरकार ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, उसके बदौलत ही ये सब चीज आ सकती है दीदी। दादा भी बार बार बोल रहे थे कि मध्यम वर्ग ही ये चीज को ला सकता है, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं उनके पास सब कुछ है, उनको जरूरत नहीं है। छोटे लोग के पास खाना ही नहीं है तो वो क्या सोचेगा, बीच वाले के बिल्कुल पास खाना भी है, छत भी है, तो वो ही क्रांति ला सकते हैं। और जो दादाजी बार बार बोल रहे थे कि क्षुद्र हम लोग, सच में हम जो आपके टॉपिक हैं, बचपन से ही हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है, फिर जैसे जैसे परिवेश में आते जाते हैं हमारी ही मानसिकता बढ़ते जाती है। तो बस हमको यही कहना है कि दीदी कि हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है अभी जो हम हैं, हमारे आसपास में जो हैं वहीं से शुरुआत करें। और समाज, मैं आज ही एक दीदी से बात कर रही थी कि हम कैसे क्रांति लाएंगे, जैसे कि अभी मैरिज भी हो रही है, विप्लव मैरिज होती है, श्राद्ध सिस्टम जो भी है, तो एक समाज को आना जरूरी है। और बाबा ने जो 44 समाज दिया, अभी इतने बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन में हमारे आनंद मार्गी, हम मुझे नहीं पता खड़े भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे वहां तक पहुंचेगी अपनी बात कि सच में ऐसा कुछ है। तो एक पहले तो छोटे लेवल पे ही काम चालू होगा, तभी एक समाज जाएगा। और मैं आज ही थोड़ा सा ये पढ़ रही थी, चरियाचर में भी बाबा ने सेकेंड पार्ट में लिखा है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ये चार चीज आते हैं, शायद आप लोग को पता भी होगा कि मतलब जो हमारा मस्तक है, जो माइंड है वो विप्र का काम करता है, जो हमारा बाहुबल है वो क्षत्रिय का काम करता है, और जो हमारे मध्यम पोर्शन है बॉडी के वो वैश्य का काम करता है, और जो पैर है जो चलने का काम करता है वो शूद्र है। ये चारों की जरूरत हमारे शरीर में जब है तो सोचिए कि एक इंसान के अगर ये चारों चीज सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे समाज में बोल सकते हैं कि हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं और हम मनुष्य शरीर में आ गए हैं, लेकिन सही में हम खाली खाने पीने और अपनी दुनियावी जगत में ही दौड़ रहे हैं। हमको अभी थोड़ा भी नहीं पड़ी है कि सच में हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कौन सा सही रास्ता है। तो बस यही बोलना चाहूंगी दीदी कि सबसे पहले बाबा बोलते हैं, जो तुम जानते हो और वो चीज को नहीं करते हो तो तुम सबसे बड़े महापापी हो। तो हम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जी दीदी भी बोल रही है ना कि जो नारायण सेवा कर रही है वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके खाना खिला रही, लोग मजबूर हैं। सही में दीदी लोग मजबूर हैं बहुत, मैं भी देखती हूँ कि लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो, आप बोली ना कि हम लोग तो डेडिकेटेड, सच में हम लोग डेडिकेटेड, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को संघर्ष अध्वर्म को लेके चल रहे हैं, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हम अगर खा रहे हैं, हम अगर सो रहे हैं तो सब सोए, क्योंकि हम साधना करते हैं, इसलिए हमारा मन इतना ऊपर तक विस्तार हो रहा है। तो पहला तो कर्तव्य हमारा ही है कि आस पास में कम से कम अगर एक भी महीने में अगर हमारे माध्यम से कोई साधना सीखता है, पहले तो हम उसको मोटिवेट करेंगे तभी वो साधना सीखेगा। तो ये आपका अपने गुरु के प्रति ज्यादा ये होगा दीदी, और मैं तो इस साल में बाबा कृपा से लगी हुई हूँ कि मेरे से जहां तक हो सके मैं करूँ। और बाबा का सच में उसमें लिखा है कि जिस दिन सदविप्र आ जाएगा उस दिन उसको आराम करने के लिए टाइम नहीं होगा कि वहां आज तो मैं आराम कर रहा हूँ, बाबा ने एकदम नहीं लिखा है कि कहीं भी तुमको आराम करने का टाइम, 24 आवर्स हमारे माइंड में बस काम काम काम। और चैनलाइज, आज हम लोग बातें कर रहे थे कि जैसे वो प्रवृत्ति है और आपका बॉडी है, मतलब आज के दिन में जो बच्चों में उस समय में जो एक बच्चों में क्या जो 14 15 18 साल के लड़के लड़कियों में जो एक
चेहरे पे क्या बोले वो मासूमियत होती थी, ग्लो आता था, वो सब अभी आज के दिन में 8 साल के बच्चों में भी नहीं है। 4 साल का बच्चा भी बोझ से ग्रसित है कि मुझे इतने कॉपी किताब को लेके पढ़ने जाना, इतना उस अभी से वो माइंड का उसका डिस्टरबेंस है, तो फिर कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दीदी, हम लोग को तो इस पे विचार करने के लिए आपने ये बनाया है। तो सबसे पहले हम मार्गी दीदी, मार्गी दादा, जो भी अपने नजदीकी जागृति में जाते हैं, तो जरूर इस टॉपिक पे आप लोग डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए कि हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं इस 2024 को, और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमारे तरफ से क्या योगदान रहे। सब तरह का सेवा करना है, विप्रोचित सेवा, क्षत्रियोचित सेवा, वैश्योचित सेवा, शूद्रोचित सेवा, बाबा ने 4 तरह का सेवा बोला ही है, तो सारे सेवा का इम्पोर्टेंस है। तो दीदी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है दीदी आपकी कि हम लोगों को खुद करना होगा और समझना भी होगा। और जैसे आपने बताया कि बच्चों में किस तरह से असंतोष बढ़ रहा है उसको भी देखना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो है ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट हैं शुद्र व्यवस्था, विशुद्ध शुद्र व्यवस्था की, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि हमारा समापन पे पहुंच रहे हैं, तो अगर कोई बोलना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मैं शोभना श्रीवास्तव दीदी हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। दीदी अगर आप 2 शब्द बोलेंगी तो, शोभना श्रीवास्तव दीदी। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादा कि ओनली प्रोवाइडिंग फूड इज नॉट सफिशिएंट, बट दादा बात वही है कि भूखे भजन ना हो गोपाला। शुरुआत तो इनको पहले इनकी जो मेन बेसिक नीड 5 हम लोगों की प्राउड की है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, उसके बाद हम उनसे साधना की बात कर सकते हैं। तो ये भी एक प्री रिक्वेस्ट है। सत्यनारायण दादाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ अपने शब्द रखना चाहें। सत्यनारायण दादाजी आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सत्यवती दीदी जी आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई भी अब विषय क्योंकि बहुत विस्तार से ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, तो शायद कहने सुनने की बात अभी किसी के आने नहीं, लेकिन हाँ हमारा नवचेतना रीडर क्लब ऑलवेज ओपन है इस सब्जेक्ट पर। कोई भी कमेंट अगर आपको फर्दर देना है, जैसे मेरे भी दिमाग में हो सकता है बाद में बात है, तो हम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। प्रद्युमन दादा मैं आपको फिर से इनवाइट करती हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और इसको अगर आप कंक्लूड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी दीदी मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो विशुद्ध दादी, शुक्र जो टॉपिक लिया गया है बहुत जी जी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कब तक इसको इसको दबाया जाएगा, कब तक? ये जो है ये ब्रेन वाले लोग होंगे और वो तब तक दबे रहेंगे जब तक कि उनको एक एक टाइम आएगा जब रिवोल्यूशन आएगा और जब लोगों के बीच में वो एनआरकी फैलेगा और तब एक डिफरेंट माहौल होगा, एग्रेशन होगा, उसका उस एग्रेशन का पूरे समाज पे प्रभाव पड़ेगा और तब जितने शूद्र मानसिकता, क्योंकि ये शूद्र नहीं है, ये जी शूद्र मानसिकता की इसको समझना पड़ेगा। यहाँ शूद्र की बातें नहीं की जा रही, ये यहाँ पे बातें की जा रही उन लोगों की जो शूद्र मानसिकता की नहीं है, बस परिस्थिति बस तो वो शूद्र मानसिकता में पड़े हैं क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है समाज में, और चूंकि छोटी छोटी इंसेंटिव दे करके जॉब में सर्विस में और उनको चुप कराया जा रहा है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जब एग्रेशन में चेंज होता है, जब आप कोई कोई चीज में आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं लेकिन आप चुप हैं कि ठीक है ठीक है, लेकिन आपका मन आपको अंदर से बोल रहा है कि नहीं मुझे चुप नहीं रहना है, दिस इज टू मच, Why I wear this? मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? और जब क्यों का प्रश्न
आपको नहीं मिलेगा और आपका आपका मेंटल जो मेंटल लेवल आपका जो है वो आपको रोक रहा है कि नहीं, हम शुद्ध मानसिकता के नहीं है, हमें नहीं रुकना है। और तब जाकर के विप्लव आएगा और एक परिवर्तन आएगा समाज में, जो कि उस चीज का डेफिनेटली हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं, परिवर्तन आना ही है। मैं प्रद्युम्न नारायण दादा से सुनना चाहूंगी आगे इस पॉइंट पे। थैंक अरे यू, थैंक यू मैं दीदी। तो खाने पर बैठ गया। अच्छा, तो मेरा खाना मेरे ख्याल से दादा आपने सबका सुना और आपको कैसा लगा? बस थोड़ा सा अगर आप दो लाइन बोल दें और मैं मुझे सबसे ज्यादा चिंता हुई कि GPIF के प्लेटफॉर्म से मेरी जितनी अपेक्षा थी कि दीदी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, वो नहीं हो पाया। और मैं वही ज्यादा चाहता था कि हमारी दीदियां जो हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, वे समझने की कोशिश करें, लेकिन वह नहीं हो पाया। तो इसकी चिंता तो मुझे है। जी और फिर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी अगली मीटिंग बुलाओ तो कम से कम उसमें जो भी डीडी लोग हैं, थोड़ा सा जिनका एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, उन लोगों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की चेष्टा कर। दादा, जी दादा, हम लोग बीच बीच में कभी कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन मेनली जो दीदी लोग हैं, अब कई दीदियों को तुमने पुकारा लेकिन वे क्यों संकोच में पड़ गई है मेरी समझ में नहीं आया। उनको थोड़ा सा एग्रेसिव होके पक्ष रखना चाहिए था। जी दादा, तो जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है दादा। अभी तो इस विषय पर आज तो इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट पर चर्चा नहीं हो पाई, इसी पर चर्चा हुई। तो अगले दिन फिर इस पर क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसमें भी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वह इंस्टिंक्ट के स्तर पर जीने के लिए ललायित हो रहा है। जी क्यों ऐसा बदलाव आ रहा है? मैंने जब थोड़ा सा वो इंटरव्यू देखा, मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं, और वो जिस किताब की मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर उस किताब की बिक्री का भी या प्रचार होगा, लेकिन फिर भी जितनी बातें मेरी समझ में आई और जितना मैंने सुना, तो बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि हमारी बुद्धि जो है वो प्रेयस्करी होती जा रही है। पूरे संसार की बुद्धि वो श्रेय श्रेय पथ पर चलने के प्रेरणा उनमें नहीं है, वो प्रेय पथ की ओर, पतन की ओर जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा ख्याल है कि अगले सेशन में इस पर कुछ और ज्यादा चर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा दीदियां पार्टिसिपेट करें, और मेरा मेरा को भी एक लीडिंग रोल इसमें लेना चाहिए था वक्ता के रूप में। जी दादा, तो मैं एक्चुअली मेरा एग्जाम है दादा, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मेरा ना, अच्छा हाँ दीदी, एग्जाम की इसलिए तैयारी में लगी हुई है, इसलिए हमने उनको बुलाया नहीं। इन्होंने हमें मैसेज कर दिया था कि मैं थोड़े टाइम तक रहूंगी, तो हमें लगा कि शायद एक्चुअली दीदी मेरा 38 को एंड भी। 7th को मेरा एग्जाम है, तो उसके कारण मैं नहीं थी। बट फिर मुझे लगा कि नीतू दीदी को बुला रही हैं और अच्छा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं फिर बोली। जी दादा, और आप जो बोल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, रियली पार्टिसिपेट करना है, करना चाहिए इसको। इस पर हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं। मंजला दीदी जुड़ी हैं,
मंजुला दीदी को इस पर अगर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ मंजुला है, उसके बाद तुमको वो सुकून है, और कई दीदियां हैं, गीता दीदी को तुम लोगों ने कहा तो गीता दीदी पता नहीं क्यों संकोच में पड़ गई, उनको बोलना चाहिए था। दीदी दादा वो हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं ऑलवेज, और बहुत इनका अच्छा फीडबैक रहता है। मुझे जहां तक लगता है हो सकता है वो सुन ना पाई हूँ, कई बार ऐसा अच्छा। हो जाता गीता दीदी अनम्यूट करी है। सॉरी सॉरी एक्चुअली मिथुदी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दादा, सॉरी नमस्कार, लेकिन मिथुदी सॉरी मैं लेट ज्वाइन की हूँ और पता ही नहीं कि कौन सा टॉपिक है क्या, आप लोग बात कीजिए मैं सुनना चाहती हूँ, तो मुझे पता चले कि टॉपिक क्या है तो फिर मैं सुनना चाहती हूँ। प्रजेंट दादा को प्रणाम, दादा प्रणाम, दीदी प्रणाम मंजुला प्रणाम। दीदी इट्स टू तुम लेट। शॉर्ट कट में भागना चाहती हो क्या? दीदी ये टू लेट है दीदी, मंजुला दीदी और थोड़ा पहले एक्चुअली एवरी थर्सडे दादा का यही शिकायत अभी था, और थैंक गॉड आप भी जुड़ी, और जरूरी था ये जानना सबको, दीदियों को दादा का ये शिकायत था कि आखिर दीदियां क्यों नहीं पार्टिसिपेट। अब दीदिया को टाइम का मालूम होना चाहिए। दीदी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए एक मिनट के लिए मेरा। हाँ हाँ तो दादा का वही शिकायत था कि आप लोग क्यों नहीं टाइम पर सब लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट, दीदियां कर रही हैं बट कोई दीदी मेरी जुड़ी नहीं थी।